नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। पुराने वित्त वर्ष के खत्म होने के पहले और नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही आपको निवेश और टैक्स की प्लानिंग के कई अहम फैसले करने होते हैं। इसमें आपसे ना हो जाए कोई चूक, इसलिए हम लेकर आए हैं साल का हिसाब मनी नाइन के साथ। इस खास शो में हमारी कोशिश है कि हम आपकी टैक्स और निवेश की प्लानिंग से जुड़े हर कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। जीवन भर की पूंजी लगाकर हम अपने सपनों का आशियाना यानी कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसलिए इसे लेकर सतर्कता भी बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल से होने जा रहे टैक्स के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। अगर आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकती है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। राजेश ने पिछले दिनों 60 लाख रुपए में एक फ्लैट का सौदा किया। जब विक्रेता को पता चला कि 1% TDS देना होगा तो वो डील से मुकर गया। प्रॉपर्टी डीलर ने बीच का रास्ता निकालकर कागजों में डील 49.5 लाख रुपए में ही करा दी। सर्किल रेट के लिहाज से ये प्रॉपर्टी 72 लाख रुपए की थी। राजेश के मामले में तो विक्रेता TDS के भुगतान से बच गया, लेकिन 1 अप्रैल से कोई भी विक्रेता TDS से बच नहीं पाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इस बदलाव के बाद सर्किल रेट के लिहाज से प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख या इससे ज्यादा है तो 1% की दर से TDS देना होगा। भले ही डील 50 लाख रुपए से कम में क्यों ना हुई हो, नई व्यवस्था में राजेश को 72 लाख रुपए पर 1% TDS काट कर जमा करना होता। अभी तक प्रॉपर्टी का लेन देन 50 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 1% TDS काटा जाता था। इसमें कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप और स्विमिंग की सुविधा के लिए किया गया भुगतान भी शामिल है। कृषि से जुड़ी भूमि इस टैक्स के दायरे में नहीं आती है। TDS से बचने के लिए कुछ लोग एग्रीमेंट 50 लाख रुपए से कम का करा लेते थे, जबकि सर्किट रेट के लिहाज से कीमत काफी ज्यादा होती थी। इससे वो TDS चुकाने से साफ बच निकलते थे। क्या होगा फायदा? ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा काला धन खपाया जाता है। इस बात को गाहे बगाहे सरकार भी स्वीकारती है। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा। अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को विक्रेता को पेमेंट करते वक्त 1% TDS काटना होगा। अगर विक्रेता के पास पैन नहीं है तो 20% की दर से TDS लागू होगा। प्रॉपर्टी मामलों के जानकार एडवोकेट सचिन सिसोदिया कहते हैं कि अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS मानदंडों में बदलाव से सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। अब लोग TDS बचाने के लिए डील में हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी मार्केट में पारदर्शिता आएगी। प्रॉपर्टी की डील में अगर TDS बनता है तो इसे जमा कराने का दायित्व तो खरीदार का है। इस मामले में कोई भी हेरा फेरी भारी पड़ सकती है। विक्रेता NRI है तो? अगर प्रॉपर्टी विक्रेता प्रवासी भारतीय यानी कि NRI है तो TDS की दर ज्यादा होगी। अगर प्रॉपर्टी 2 साल बाद बेची गई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएगी। इस पर 20% टैक्स लगेगा, साथ ही सरचार्ज और सेस भी लागू होगा। 2 साल से पहले बेचने पर ये आय विक्रेता की सालाना आय में जुड़ेगी, जिस पर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। CA अंकित गुप्ता कहते हैं कि इसमें विक्रेता को इंडक्शन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर NRI से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका TDS समय रहते जमा करा दें। NRI रजिस्ट्री कराने के बाद चला गया तो फिर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जमा करें TDS? प्रॉपर्टी खरीदार को कुल कीमत की 1% रकम इनकम टैक्स विभाग में जमा करानी होगी। इसके लिए फॉर्म 26QV भरना होगा। ये रकम आप www.onlineservices.tin.nsdl.com वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। फॉर्म 26QB के जरिए यह पैसा बैंक में भी जमा कराया जा सकता है। अगर कोई समस्या आ रही है तो CA के जरिए फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद फॉर्म 16 विक्रेता को मुहैया कराना होगा। इसे www.tdscpc.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर विक्रेता का रिफंड बनता है तो वो ITR के जरिए क्लेम कर सकता है। TDS जमा कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। कब लगेगी पेनाल्टी? TDS की रकम प्रॉपर्टी के भुगतान का महीना खत्म होने के बाद 30 दिन के भीतर जमा करानी होगी। उदाहरण के लिए 10 मार्च को भुगतान हुआ है तो ये रकम 30 अप्रैल तक जमा करानी होगी। अगर खरीदार ने TDS नहीं काटा है तो 1% प्रतिमाह की दर से
पेनाल्टी लगेगी। अगर टीडीएस काटा गया है लेकिन जमा नहीं किया है तो 1.5% की पेनाल्टी लगेगी। इसमें आयकर विभाग 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। अगर टीडीएस जमा करने के लिए फॉर्म 26QB नहीं भरा है तो 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको जुर्माना भरना होगा। मनी नाइन की सलाह, प्रॉपर्टी खरीद की डील करते समय विक्रेता से टीडीएस जमा कराने के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर लें। इस काम को समय रहते निपटा लें। NRI से प्रॉपर्टी खरीदी है तो ज्यादा सतर्क रहें। अगर वो बिना टीडीएस दिए चला गया तो इनकम टैक्स विभाग का उस तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार की ही बनती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो या तो लापरवाही या फिर अपनी व्यस्तता के कारण टैक्स बचाने के लिए साल भर निवेश नहीं करते, लेकिन नींद टूटती है मार्च के महीने में जब टैक्स कटौती की बारी आ जाती है। साल का हिसाब मनी नाइन के साथ के अगले शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मुश्त निवेश करके न सिर्फ आप टैक्स बचा सकते हैं बल्कि आपके निवेश पर शानदार रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। तो देखते रहिए मनी नाइन। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार।